You have seen so many elections. Is this bigger election than you have seen? Of course. ये election जरूर इस देश में बदलाव लाएगी, परिवर्तन लाएगी. और बहुत सालों के बाद मैं देख रहा हूँ और आप भी शायद सहमत होंगे कि विरोधी पक्ष यानी कि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी है, हम मजबूती से आगे जा रहे हैं. हमारे पास चेहरा है, लीडर है. और कांग्रेस के पास चेहरा ही, ये तो मतलब कांग्रेस को वोट देना मतलब अंधेरे में कूदना है. कौन बनेगा प्रधानमंत्री पता नहीं, कांग्रेस का ही बनेगा असंभव है. लेकिन फिर कौन, मुलायम सिंह बनेंगे, लालू बनेंगे, किसके हाथ में अपना देश जाएगा. For you, in one sense, is this also a semi-final for you becoming chief minister? मैं final semi-final की बात नहीं करता. हर election मेरे लिए final होती है. But assembly is important. मेरे भविष्य का सवाल नहीं है, मुझे लोगों का भविष्य. It's in their hands. Yes. नहीं नहीं, उनका भविष्य वो निर्भर करेंगे. Their future, not mine. Correct. But you are a artist. You're a photographer. You take wildlife. I mean, I'm very interested in wildlife. And yet your speeches are quite tough. Wild नहीं ना, wildlife. Yeah, your speeches are wild. Is that just politics? Is that really you? नहीं नहीं, ये मैं जो बोल रहा हूँ वो दिल से बोल रहा हूँ. और ऐसे लगता है मुझे कि ये मेरा कर्तव्य है कि लोगों को जो मुझे आगे महसूस होता है वो बताना मेरा काम है. नहीं तो मैं आऊँगा, हम आपको ये देंगे वो देंगे. और आज तक पिछले 60-65 सालों में ये लोग वही देखते आए हैं, लेकिन प्रोमिसेस कभी फुलफिल नहीं हुई. No, but when you say attack UPites or Biharis, etc., when you are saying they should not come here, मैंने that is harsh. नहीं, ऐसे मैंने कभी नहीं कहा. मैंने सिर्फ यही हम लोगों ने कहा है कि हर एक देखिए भाषा के अनुसार प्रांत की रचना हुई है, वो हमने नहीं की. मेरे तो जन्म से पहले की बात है. जो यूपी के लोग हैं उनको उत्तर प्रदेश मिला है, बंगाली भाई है उनको बंगाल मिला है, गुजराती भाई बहन है उनको गुजरात मिला है. वैसे हम महाराष्ट्रीयन हैं तो हमें महाराष्ट्र मिला है. हर एक प्रांतों को अपनी सरकार मिली है. तो हर सरकार का काम है कि अपने अपने लोगों का ख्याल रखना. बिहार के लोग अभी वहाँ की सरकार काम करेगी तो कोई भी अपना घर छोड़कर बाहर नहीं जाएगा. तो ये उनका काम है, वहाँ की सरकार का काम है, यूपी के सरकार का काम है. अब महाराष्ट्र की सरकार भी काम नहीं कर रही है, इसलिए हमें बदलाव चाहिए महाराष्ट्र में. तो महाराष्ट्र की सरकार का कर्तव्य है महाराष्ट्र के लोगों का ख्याल रखना. और जो भी लोग यहाँ आते हैं और उन और जो लीगली रहते हैं तो उसमें कोई बात नहीं है. And this is what you will fight for. लेकिन बांग्लादेशी अगर आए तो क्या करें? I want to ask you in terms of your relationship with Raj. Say he walked up here now, what would you say to him? अभी इतने सारे लोग हैं और जो बात सामने है उसके ऊपर हम बात करें तो अच्छा है. जो बात वो तो but that's a political difference. ठीक है, लेकिन अभी मैंने कहा कि शुरू में ही कहा मैंने कि ये कांग्रेस का ट्रैप है और उसमें मैं आने वाला नहीं हूँ. मैं नो कमेंट्स. ओह वेरी गुड. ओके, सो टेल मी इन टर्म्स ऑफ दिस कैंपेन, हु इज योर मेन वरी इन दिस कैंपेन? वरी? यस, मतलब चिंता की बात. चिंता की बात सब मेरे देश की चिंता मुझे बहुत है, क्योंकि ये चुनाव जो है वो देश का भवितव्य निर्भर है उसके ऊपर. और मैं देख रहा हूँ कि जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए वो मुद्दे शायद थोड़े से आसपास हुए हैं, क्या पता नहीं. लेकिन हमेशा ये तरीका होता है कांग्रेस का कि अगर उनके गले में कुछ बात अटकती है तो कुछ ना कुछ कल्पना निकाल कर आते हैं और वो डाइवर्ट करते हैं. शुड नॉट एक्सेप्ट दैट. एंड योर रिलेशनशिप विद नरेंद्र मोदी, आई सी ही इज क्वाइट प्रोमिनेंट इन योर. यस यस, ऑफ कोर्स. सो व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद हिम? हमारी रिलेशनशिप अगर मैं बताऊं तो आपको याद दिलाऊंगा मैं, जब नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री थे गुजरात के, मतलब आज ही लेकिन पहली बार बने थे, और हमारी सरकार एनडीए की सरकार थी केंद्र में, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे. और आपको याद होगा सारे लोग मोदी हटाओ के नारे लगा रहे थे. वो वहाँ पे जो राइट हुए थे, दंगा फसाद कुछ हुआ था, मतलब हमारे जो सहयोगी थे वो भी बोल रहे थे कि मोदी हटाओ. एक दिन आडवाणी जी मुंबई आए थे, हमारी शिवसेना और बीजेपी की रैली थी, बाला साहब थे उस वक्त. और जब दोनों मिले तो आडवाणी साहब ने पूछा कि बाला साहब आपकी क्या राय है. बाला साहब ने पूछा किस बारे में, तो बोले नहीं सारे लोग बोल रहे हैं मोदी हटाओ, तो बोले नहीं मोदी को हटाना नहीं, मोदी गया तो गुजरात गया. और उन्होंने खुलेआम पब्लिक स्टेटमेंट दिया था. वहाँ से हमारा रिश्ता शुरू होता है. पल भर मानो कि अगर उस वक्त भी बाला साहब कहते कि ओके हटाओ मोदी को, तो आज क्या होता. बट एट द स्टार्ट ऑफ द कैंपेन देयर वाज अ बिट ऑफ फ्रिक्शन. नो, दैट इज ऑल ओवर. नॉट ओवर. एक बात है कि शायद आप उस बारे में बात करना चाहते हैं कि जब कुछ मैंने सामना में लिखा है. सामना एक हमारा मार्गदर्शक है.
आपको ये भी मैं याद दिलाना चाहता हूँ, हमारी अपनी सरकार जब महाराष्ट्र में थी तब भी बाला साहब ने, जब सरकार कुछ उनके मन के अनुसार नहीं कर रही थी या गलत कर रही थी, तो उन्होंने एडिट में लिखा है। और वो जो एक परंपरा है, मैं बीजेपी का मित्र हूँ, एजेंट नहीं हूँ। तो अगर मेरा, मुझे ऐसे लगेगा कि भाई मेरा मित्र कुछ उसको एक ठीक से करने की गरज, कुछ बातें ऐसी होती है कि जो पब्लिक के कहने की आवश्यकता होती है, कुछ बातें ऐसी जो फोन पे हो सकती है। सो इन द कोएलिशन यू आर नॉट अ जूनियर पार्टनर, जूनियर सीनियर पार्टनर, मेरी आयु रेखे तो भी मैं इतना तो जूनियर नहीं हूँ, लेकिन 25 साल से भी ज़्यादा हमारा गठबंधन है। और जैसे मैंने भाषण में कहा कि मोदी जी का नाम डिक्लेयर करने से पहले, मतलब कल नाम उनका डिक्लेयर करना है, तो आज रात नरेंद्र भाई का फ़ोन आया था और मेरी बात हुई। दूसरे दिन सुबह राजनाथ जी के साथ मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि उद्धव जी ऐसा हम करना चाहते हैं, मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, आपकी क्या सलाह है? तो मैंने कहा बिल्कुल आप डिक्लेयर करो। और जिस वक्त उन्होंने नाम डिक्लेयर किया, मैं पहला आदमी हूँ मैंने सपोर्ट डिक्लेयर किया, मेरी पार्टी पहली पार्टी है, क्योंकि अब बस ये थक गए लोग, कितने दिन तक सहेंगे। बट मिस्टर अडवाणी ऑल्सो यू वर अ बिग सपोर्टर। हाँ बिल्कुल, ये सारे लोग हमारे, मतलब अडवाणी जी, वाजपेयी जी, बाला साहब, ये तो तीन महान नेता हैं जिन्होंने हमें ये सारी राह दिखाई। लेकिन अभी जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन आ गई, तो उनका सम्मान तो हम करते हैं। सर, इन योर फिलॉसफी, आर यू महाराष्ट्रियन फर्स्ट और इंडियन फर्स्ट? मेरा जो भाषण मैं एंड करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ जय हिंद जय महाराष्ट्र। राइट, जय हिंद फर्स्ट जय महाराष्ट्र। मैं हिंदुस्तानी हूँ जिसका मुझे गर्व है, साथ में मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मराठी हूँ, उसका भी मुझे गर्व है। फर्स्ट इंडियन, यस ऑफ कोर्स, फर्स्ट इंडियन, जय हिंद जय महाराष्ट्र।